जी हाँ दोस्तों, सलमान खान के सामने ही वीकेंड के वार पर जेठानी और अंकिता की मां के बीच जो तांडव हुआ उसे देखकर सोशल मीडिया पर फैंस जमकर जो है अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जो है जेठानी लड़ पर ही अंकिता की मां से, तो दूसरी तरफ सलमान खान भी विक्की की फैमिली पर जो है जोर जोर से भड़क उठे। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ वीकेंड के वार पर जो सलमान खान को जोर जोर से भड़कना पड़ा विक्की जैन के परिवार वालों पर, और ये कहना पड़ा कि आप लोगों की सोच कितनी छोटी है। और इतना ही नहीं, विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की शादी को लेकर भी सलमान खान ने जो है बहुत बड़ी बात कह डाली है। आखिर क्या कुछ हुआ और वीकेंड के वार पर पूरी डिटेल, पूरी अपडेट हम बिग बॉस 17 के घर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है बिग बॉस 17 के वीकेंड के वार को लेकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिग बॉस 17 में आकर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिश्ते को काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई भी हो रही है लगातार, यहाँ तक कि रोस्ट नाइट शो के दौरान भी लाइव ऑडियंस के सामने ही विक्की को अंकिता ने खड़ी खोटी सुना डाला रोस्ट करते करते। इतना ही नहीं, आपको बता दें दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है जिसने ना सिर्फ फैंस बल्कि दोनों के घर वालों को भी परेशान कर डाला है। वहीं अंकिता के ससुराल वाले खुलकर विक्की का ही सपोर्ट कर रहे हैं और अंकिता लोखंडे को बिल्कुल भी सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आए। वहीं फैमिली वीक में अंकिता की सास ने अंकिता को कुछ कड़वी बातें बोल दी थी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो अब वीकेंड का वार में विक्की की भाभी पहुंची है, अब मुंह छुपाती फिर रही हैं अंकिता लोखंडे की सासू माँ। जिस तरह की उन्होंने बातें, जिस तरह का बर्ताव उन्होंने नेशनल टीवी पर अपनी बहू के साथ किया, अब उनकी जगह वो ना आकर पहली बार जो है अंकिता की माँ की जगह जो है, आपको बता दे अंकिता की जेठानी आ रही हैं वीकेंड के वार पर। और इतना ही नहीं, अंकिता की माँ ने समधन को लेकर अपनी बात जो है रख डाली है सलमान खान के सामने। आपको बता दे वीकेंड के वार पर सलमान खान ने जो अंकिता लोखंडे की जेठानी से पूछा, यानी कि विक्की की भाभी से पूछा, उसे सुनकर विक्की की भाभी के जो है चेहरे के रंग उतर गए, हाव भाव बदल गए। आपको बता दें आखिरकार सलमान ने क्या पूछा। सलमान साफ तौर पे विक्की की भाभी श्री से पूछते हैं कि हम अंकिता और विक्की के रिश्ते के बारे में आपसे पूछते हैं कि ये रिश्ता आखिरकार किस तरह का है, कैसा दिख रहा है बाहर। इस पर अंकिता की जेठानी कहती है कि जो दिख रहा है ना दोनों के बीच, वो नहीं होना चाहिए और उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है बाहर, ना हमारे घर के अंदर, बल्कि हमारे घर में तो टीवी बंद कर देते हैं जब इन दोनों का तमाशा जो है स्टार्ट होता है। इस पर फिर सलमान खान कहते हैं कि विक्की की माँ ने कहा था कि हम इस शादी के खिलाफ थे। इस पर अंकिता की जेठानी तो नहीं, लेकिन आपको बता दें अंकिता की माँ जरूर रिप्लाई करती हुई कहती है कि वह भी काफ़ी सरप्राइज है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, यानी कि समधन ने क्यों बोला इन दोनों के रिश्ते को लेकर कि इस शादी के हम खिलाफ थे। इतना ही नहीं, वीकेंड के वार पर जो है स्टेज पर ही दोनों लड़ पड़ते हैं और बहसा बहसी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंकिता लोखंडे की जो जेठानी है थोड़ी सी खड़ूस टाइप की है, वो इसलिए भी क्योंकि अंकिता को सपोर्ट नहीं कर रही है, ना ही ननद सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। और विक्की की माँ ने तो नेशनल टीवी पर दिखाई दिया है कि वो किस तरह से सपोर्ट कर रही है अपनी बहू को और किस तरह से नहीं, और किस तरह से जो उन्हें पसंद करती है, कितना पसंद करती है और रिश्ते से कितनी खुश हैं। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज देकर खुलासे कर दिए और इतने बड़े बड़े खुलासे किए कि अब वो अपना मुंह दिखाने लायक रही नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो गई है टेंशन की वजह से। क्योंकि जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो उन्हें भी नहीं पता था वो क्या क्या बोलती जा रही हैं। अब अंकिता को लेकर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी हैं कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं हुई वीकेंड के वार पर आने की। और आपको बता दें, अब जेठानी को जो उन्होंने भेजा था, किसी न किसी को तो आना ही था, ननद ने आने से मना कर दिया क्योंकि वो अंकिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, जेठानी भी नहीं करती अंकिता को पसंद, लेकिन उन्हें ना पड़ा, किसी एक को तो आना ही था। और ससुर जो है अंकिता के, वो काफी इस वक्त गुस्से में है, तो वो अभी बिल्कुल भी चेहरा नहीं देखना चाहते हैं अंकिता लोखंडे का, इसलिए जेठानी आई है। अब जेठानी आई है तो जेठानी ने भी कुछ ऐसी बातें बोली है सलमान के आगे अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिश्ते को लेकर, जिससे सुनकर जो है अब अंकिता की माँ भी शॉक हो गई है और सलमान खान भी, कि क्या किसी के घर में ऐसा भी हो सकता है। अब अंकिता लोखंडे जो पवित्र रिश्ते के लिए जानी जाती थी, स्ट्रॉन्गनेस के लिए जानी जाती थी,
अच्छी बहू के लिए जानी जाती थी, अच्छी बेटी के लिए जानी जाती थी। अच्छी बेटी है नो डाउट, लेकिन अच्छी बहू है वो या नहीं, इस बात का तो जवाब अंकिता की सास और जेठानी और ननद ने दे ही डाला है। और विक्की जैन बार बार कहते ही हैं बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ अंकिता लोखंडे को, ये सब तो आप भली भांति जानते ही हैं। वहीं आपको बता दें जोरदार जो है घमासान हुआ है दोनों के बीच में, और दोनों के परिवार वाले आपस में लड़े हैं वीकेंड के वार पर। सलमान खान ने भी जो डांट लगाया है विक्की के परिवार वालों को। वहीं आपको बता दें इस हफ्ते घर से बाहर होने के लिए अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, आयशा खान और ईशा माल्या भी नॉमिनेट थे। आयशा खान जो है नॉमिनेट हो चुकी है रोस्ट शो एपिसोड लाइव ऑडियंस की वोटिंग के हिसाब से, सबसे ज्यादा कम वोट जो आयशा को मिले थे और वो नॉमिनेट, वो जो है घर से बेघर हो चुकी है। इसके बाद कहा जा रहा है आपको बता दें ईशा भी आउट हो गई है क्योंकि इस हफ्ते डबल एविक्शन थे, वहीं अंकिता और विक्की बच गए हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी आ रही है इस वक्त कि विक्की इस हफ्ते बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन पहले ईशा हुई हैं उसके बाद विक्की होंगे। इसी हफ्ते विक्की का सफर भी इस घर से जो है खत्म हो जाएगा। वहीं अब शो में अंकिता, विक्की, मुनावर फारूकी, अरुण, अभिषेक कुमार और मनारा चोपड़ा बचे हुए हैं। अब इन छह के बीच फिनाले में टक्कर होगी। अगर बीच हफ्ते में किसी को निकाला जाएगा तो वो होंगे अरुण। अरुण जो होंगे वो सबसे लास्ट में निकाले जाएंगे और टॉप फाइव फाइनलिस्ट जो हैं वो फिनाले में की रेस में जो है पहुंच जाएंगे। वेल आप दोस्तों किसे विनर के रूप में देखते हैं बिग बॉस 17 का, अभिषेक, अंकिता, मुनावर या फिर मनारा चोपड़ा? किसे आप देखना चाहेंगे बिग बॉस 17 का विनर? अपने नाम जो है कमेंट सेक्शन में फेवरेट कंटेस्टेंट का जरूर लिखिएगा, किसे आप भर भर कर वोट करने वाले हैं। साथ ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।